ओके बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 1 पे फोकस करो। 1, 2, 3 हमारे 3 क्वेश्चंस रह गए थे एक्सरसाइज 10.2 में, है ना। कंप्लीट करते हैं इनको, आसान से क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, एक कोई पॉइंट है क्यू, ये वाला डायग्राम नहीं है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। लेंथ ऑफ द टेंजेंट सब जानते हैं बेटा, है ना, अच्छे से हम समझ चुके हैं। तो Q से उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की दूरी 24 है, उसी को लेंथ ऑफ टेंजेंट हम बोलते हैं। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q, Q से कहाँ तक की दूरी, फ्रॉम द सेंटर, सेंटर तक की दूरी 24 25 है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, आसान सा क्वेश्चन है ना, इसको हम चाहें तो यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ करके बता रहा हूँ, बुक में ही आराम से हो जाएगा। 1 का सॉल्यूशन, पहले तो डायग्राम बनाते हैं। हमें डायग्राम गिवन है, ये रहा, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है सपोज क्यू, यहाँ से एक टेंजेंट डाली गई है जो कि ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सपोज पी, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 24, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें गिवन है, ठीक है। और क्यू से सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो है 25, इस सर्कल का सेंटर भी है, यहाँ की डिस्टेंस है 25। रेडियस हमसे पूछ रहा है ओपी। बेटा एक चीज़ बताओ, अगर हम जब सेंटर से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे तो ये ऑलवेज 90 डिग्री बनाती है, ये सब जानते हैं। तो अब आप कहोगे कि सर ये तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया, तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो बाय PGT पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम OP स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर ईजीली फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से हमारी OP निकल जाएगी, ठीक है। अब आप चाहो तो मैं इसका सॉल्यूशन प्रॉपर आपको कॉपी में करके दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ तो बेटा यही हमारा डायग्राम था, ठीक है, क्वेश्चन का सेंस समझ में आ गया सबको, ओके। तो अब यहाँ पे हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम OP स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, OQ स्क्वायर कितना है बेटा 25 और PQ कितना है 24, ठीक है बेटा, ओके। 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, तो ये हो गया हमारा 10 ओ एक मिनट, इसमें प्रॉब्लम हो गई, मिस्टेक हो गई इसमें, पाइथागोरस थ्योरम सही लगा है, हाइपोटेन्यूज तो ये है हमारी, ओ सॉरी, OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ये नहीं था हमारा, तो OQ है हमारा 25, OP परपेंडिकुलर ऑफ बेस 24, ठीक है, अब सही है। ठीक है, ये हो जाएगा 9 और 4, तो OP की वैल्यू कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका आंसर हो गया A। क्लियर है क्वेश्चन सबको, ओके। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 तो और भी आसान सा है। इस फिगर में क्या कह रहा है कि TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O, मतलब T एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट डाली गई, यहाँ से एक टेंजेंट डाली गई, इन दोनों का लेंथ सेम होगी अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2, ठीक है। सो डैट POQ ये 110 डिग्री दे रखा है, हमसे पूछ रहा है एंगल PTQ, ठीक है। अब आप अगर इस फिगर को ध्यान से देखो तो ये आपको एक सुंदर सा क्वाड्रिलेटरल
दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल। आप कहोगे सर बिल्कुल दिख रहा है, जिसमें अगर ये रेडियस है और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है पी, तो यहाँ से जब परपेंडिकुलर डालोगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आप कहोगे सर यहाँ पे भी अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ऑल फोर एंगल्स, इन चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो बस ये 110, ये 90 90, और हमें ये निकालना है। फाइंड करते हैं देखो कैसे होता है। ठीक है बेटा, ये डायग्राम दे रखा है। तो ये टी एक्सटर्नल पॉइंट है, पी टी पी टी क्यू दो टेंजेंट हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये ओ सेंटर है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाली गई, 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, क्योंकि ये पी और क्यू क्या हैं, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं। ओके, ये एंगल हमें फाइंड करना है, इसको हमें एक्स मान लिया। ओके, ये क्वाड्रिलेटरल है। सॉल्यूशन देखो, सिंस पी ओ क्यू टी इज़ अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बेटा ये है, तो हम इसको कह सकते हैं एंगल पी एंगल ओ एंगल क्यू प्लस एंगल टी इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, क्लास 9th में करा था क्वाड्रिलेटरल की, पी ई आर ए एफ। ओके ठीक है बेटा, एंगल पी कितना? 90 डिग्री। ओ कितना? 110। क्यू कितना? 90 डिग्री। टी कितना? एक्स। तो ये कितना आ जाएगा? ये हो गया हमारा 200 प्लस 290। तो एक्स इक्वल टू 360 माइनस 290, एक्स इक्वल टू कितना बेटा? 70 डिग्री। आंसर हो गया इसका बी। कोई दिक्कत नहीं, समझने वाली चीज़ थी, बस ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री एंगल है। क्यों? ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये सेंटर है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डल जाएगी। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे परपेंडिकुलर जब डलती है, 90 डिग्री का एंगल बनता है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है कि इफ पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल, अच्छा टी ए पी और पी बी टेंजेंट्स हैं फ्रॉम अ पॉइंट पी से, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी यहाँ तक, टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल 80 डिग्री। अच्छा, इनके बीच में एंगल बन रहा है 80 डिग्री का, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू वॉट। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो समझो, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक सर्कल है, इसका सेंटर है ओ, पी ए और पी बी दो टेंजेंट हैं, इसका मतलब पी एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट डली और एक टेंजेंट डली यहाँ से, ये ए और बी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है बेटा, आप चाहो इसको ज्वाइन भी कर दो, ज्वाइन करोगे तो 90 डिग्री का एंगल आएगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। ये कह रहा है कि इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 80 डिग्री का, ठीक है। पूछ हमसे रहा है एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू वॉट, ये हमसे पूछ रहा है इस एंगल की डिस्टेंस, वो सॉरी इस एंगल का मेजरमेंट, मतलब ये वाला एंगल। अब पी ओ ए के लिए मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ये हमें टू प्रूफ। गिवन क्या है बेटा, वो आप लिख लोगे, जो क्वेश्चन में है वही लिखना है बस। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करा है, हमने बस ये करा है जॉइन पी टू ओ विच इम्प्लाइज पी ओ, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो हम अगर इन दोनों को देखें, यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल मिल गए हैं,
देखो मेरी अप्रोच क्या रहेगी, मैं पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। और कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के बाद मैं इन दोनों एंगल को क्या करूंगा, इक्वल कर दूंगा, ठीक है। ये शुरू में मेरी अप्रोच रहेगी। देखो कैसे, इन ट्राइंगल पी ए ओ एंड ट्राइंगल पी बी ओ, ठीक है। देखो इनमें क्या सिमिलैरिटी है, तो हम कह सकते हैं ओ ए इस ट्राइंगल का ओ ए इस ट्राइंगल के ओ बी के बराबर है। क्यों? बिकॉज ये रेडिया हैं बेटा, रेडिया ऑफ सर्कल, रेडियस ही तो हैं ये, ठीक है। अब दूसरा, इस ट्राइंगल का एंगल ए इस ट्राइंगल के एंगल बी के बराबर है। क्यों? पीच 90 डिग्री। तीसरा, आप कहोगे सर ट्राइंगल पी ओ ए और पी ओ बी में पी ओ दोनों में कॉमन आ रहा है। बिल्कुल सही है जी। तो अब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव होगा। देखो कैसे, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड से कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए पी बी ओ का बाय आर एच एस रूल। बेटा यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है। वैसे आएगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो ऐसे करेस्पॉन्डिंग्स पार्ट्स भी आपस में कैसे होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो मैंने कह दी, मैंने इसको नाम दे दिया एंगल वन और इसको एंगल टू, छोटे छोटे मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ एंगल वन और एंगल टू, ठीक है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का एंगल वन इक्वल है इस ट्राइंगल के एंगल टू के बाय सी पी सी टी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा, ये दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब देखी जाए तो बेटा ओ पी एक एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा था। अगर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, दैट मीन्स ओ पी अपना रोल क्या निभा रहा है, जो पी से मैंने लाइन डाली है ओ तक पी ओ, तो वो एक तरह से बेटा एंगल बाइसेक्टर का रोल निभा रही है, ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताना, मैं ऐसे नहीं लिख सकता ना, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं ना, मैं एंगल वन को ये नहीं कह सकता, एंगल वन जो है ये हाफ है इस पूरे एंगल का ए पी बी का। सर बिल्कुल कह सकते हैं हम, ये जो एंगल है अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो सिर्फ ये वाला एंगल इस पूरे एंगल का क्या है, हाफ ही तो हिस्सा है, ठीक है। तो एंगल वन इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए पी बी, और एंगल ए पी बी हमें गिवन है 80 डिग्री, तो एंगल वन इक्वल टू 40 डिग्री हो गया। और अगर एंगल वन इक्वल टू 40 डिग्री है तो एंगल टू भी 40 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल वन इक्वल टू एंगल टू है अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। तो देखो ये हमने 40 डिग्री निकाल लिया और ये भी 40 डिग्री निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एंगल पी ओ ए, ये वाला एंगल निकाल देंगे बड़े आराम से। देखो इन ट्राइंगल पी ओ ए एंगल, अगर इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें तो हमें ये एंगल मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। तो देखो समझो, ये वाला एंगल हम कह सकते हैं ओ पी ए, एंगल ओ पी ए, एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी ओ बी, पी ओ ए सॉरी पी ओ ए इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एंगल ओ पी ए कितना है 40 डिग्री, पी ए ओ कितना है ये 90 डिग्री है, और ये हमसे पूछ रहा है पी ओ ए इक्वल टू 180 डिग्री, दिख रहा है सबको अच्छे से। तो 9 4 13 130 पी ओ ए इक्वल टू 180 माइनस 130, तो एंगल पी ओ ए इक्वल टू 50 डिग्री, आंसर है इसका ए। ऐसे निकाला गया है, पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करा है, फिर ऊपर वाले ट्राइंगल्स में
एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी है, ठीक है। बस इसमें जो मेन अप्रोच है वो है ये कि ये एंगल इस पूरे एंगल का हाफ है, तभी हम इस एंगल की वैल्यू को निकाल पाए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये थे हमारे तीन क्वेश्चंस बचे हुए एक्सरसाइज 10.2 के।